बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ एंट्रेंस का एक टॉपिक है परसेंटेज। तो आज मैं डील करूँगा परसेंटेज का एक ऐसा ट्रिक जो ऑलमोस्ट हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में लग जाए। परसेंटेज के साथ एक दिक्कत ये है कि बहुत वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं, और जितने वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने सारे ट्रिक्स उनको जानने होते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक ऐसे ट्रिक बनाने की जिसमें कई टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक अकेले ट्रिक से कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज का ट्रिक। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपने फंडामेंटल तरीके से कीजिए, या जो तरीका आपको मालूम है अभी से पहले तक वो उस तरीके से आप कीजिए। क्वेश्चन है, ए मैन परचेज अलेवन मैंगोज इन 100 रुपीज एंड सेल 10 मैंगोज इन 110 रुपीज। फाइन हिज परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। आप वीडियो को पॉज करें और अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है या जो भी आपके पास ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है, आप उस ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, फंडामेंटल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, उसने 11 आम 100 रुपये में ख़रीदे हैं और 10 आम को 110 रुपये में बेचा है। तो आपको बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में उसे कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट का हानि हुआ है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट का लॉस हुआ है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, अभी ट्रिक नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग करते क्या है, पर पीस रेट निकालते हैं कि एक आम कितने में ख़रीदा गया और एक आम कितने में बेचा गया। मिसाल के तौर पे अगर एक आम मैंने 10 रुपये में ख़रीदा है और उसी आम को मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है या 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 10 में ख़रीद के 12 में बेच दिया। अगर मैंने एक आम 10 रुपये में ख़रीदा है और 8 रुपये में बेच रहा हूँ, 10 में ख़रीद के 8 में बेच रहा हूँ, तो 2 रुपये का लॉस है, 2 रुपये का हानि है, 2 रुपये का नुकसान है। सिंपल सी बात है। तो अगर आपने ख़रीदा सस्ते में और बेचा महंगे में तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने ख़रीदा महंगा है बेच सस्ते में रहे तो नुकसान होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक जो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है मैं उससे पहले बना देता हूँ, वो ये है कि आप खुद सोचें। पहले मैं हमेशा बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस की। अब वो कैसे करूँगा वो समझो। क्या 11 मैंगोज ख़रीदे गए हैं 100 रुपये में? तो 11 आम 100 रुपये में, तो एक आम कितने में? हंड्रेड बाई अलेवन, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। अच्छा, उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस के बाद अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। 10 मैंगो बेचे गए हैं 110 रुपए में, तो एक मैंगो बेचा जाएगा 110 बाई 10, यानी 11 रुपया जो आया वो सेलिंग प्राइस आया। यानी एकदम आसान है, जितने भी आम खरीदे गए हैं आप एक आम के खरीदने का रेट, एक आम के बेचने का रेट निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे वो सुनिए। उसके बाद आप हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया कीजिए, हमेशा सेलिंग माइनस कॉस्ट। जो चेंजेस होता है ना, वो रूल है, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी बाद माइनस पहले। बाद में बेचा जाता है और पहले ख़रीदा जाता है। आप सोचें ना, आप कॉमन सेंस की बात है,
मैं पहले कोई चीज़ खरीदूंगा ताकि वो चीज़ मेरे पास आ जाए, फिर मैं उसे बेचूंगा। दुकानदार भी यही काम करता है, पहले वो दुकानदार खुद परचेज करता है कहीं से कोई सामान, फिर उसके बाद वो अपने कस्टमर को सेल आउट करता है। तो पहला काम हमेशा खरीदने का होगा, बाद का काम बेचने का होगा। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मुझे चेंजेस निकालना है तो बाद माइनस फर्स्ट होगा। तो बाद माइनस फर्स्ट, बाद मतलब सेलिंग प्राइस, पहले मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर ये चेंजेस पॉजिटिव आ जाते हैं बेटा, तो पी से पॉजिटिव, पी से प्रॉफिट। अगर चेंजेस प्लस में आएंगे तो प्रॉफिट होगा। अब आप सोचें मैथमेटिकली प्रॉफिट कब होगा या पॉजिटिव कब आएगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस कम होगा। सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस कम सेलिंग प्राइस ज़्यादा। लेकिन अगर यही चेंजेस निगेटिव में आ गया, निगेटिव में कब आएगा, जब ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, माइनस वाली चीज़ ज़्यादा प्लस वाली चीज़ कम, तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको हमेशा चेंजेस लाना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट और निगेटिव आ गया तो लॉस। अब यहीं पे एक चीज़ सीखिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस चाहिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये सब जनरल मेथड पढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली परसेंटेज लॉस का मतलब है लॉस बाय सीपी इनटू 100%। कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना होता है हमेशा जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, और इस चेंज को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, निगेटिव आया तो लॉस। तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब चलिए यहीं पर सोचते हैं, एसपी हमारा आया था 11 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हमारा आया था इस क्वेश्चन में 100/11। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हम एलसीएम 11 लेंगे, 11 को 11 से डैट इज़ 121, और यहाँ 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 21/11। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, यानी प्रॉफिट है। दिस चेंज इज प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो आपको निकालना क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 21/11। सोचिए सीपी क्या है आपका, 100/11 इंटू 100%। इस 11 से इस 11 को काटिए, 100 से 100 को काटिए, फाइनल आंसर इज 21%। तो ये एक फंडामेंटल तरीका था। मैंने आपसे कहा था शुरू में जब ये क्वेश्चन लिखा था कि आप वीडियो को पॉज करके अपने तरीके से आप बनाएंगे। बहरहाल आपने जो भी तरीके से बनाया है, अगर 21% आंसर आया है तो आप सही हैं, नहीं तो आप चेक करें। बाकी इस तरीके से भी अगर आपने बनाया है तो आपका आंसर 21% आएगा। और ये कोई ट्रिक नहीं था, ये बहुत ही फंडामेंटल तरीका था कि मैंने जितना भी पीस था उसको एक पीस पर निकाल लिया, एक पीस के खरीदने का, एक पीस के बेचने की कीमत, डिफरेंस लिया। पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, निगेटिव में अगर आ जाता तो लॉस, फिर लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था, उसको रखा, आंसर ले आए। अब मैं आता हूँ ट्रिक पर, और ये जो ट्रिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने वादा किया है आपसे शुरू में ही वीडियो के कि ये ट्रिक जो है वो आपके लिए ऐसा ट्रिक है जो परसेंटेज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। तो आप इस ट्रिक को पहले समझेंगे, ट्रिक है क्या। देखो जब भी खरीद बिक्री की बात होगी कि हमने कोई चीज़ ख़रीदा फिर उसको सेल आउट किया, तो हमेशा दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ प्राइस की बात होगी, कितने में खरीदा कितने में बेचा, इसको हम कॉस्ट कहेंगे, कीमत प्राइस। दूसरी चीज होगी क्वांटिटी, कि आपने कितना चीज खरीदा है और कितनी चीज बेच रहे हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखिए ना, आपने खरीदा है 11 आम, बेच 10 आम रहे, तो ये 11 और 10 क्या है, ये नंबर है बेटा, इसको आप क्वांटिटी कहेंगे, तादाद, कि 11 पीस खरीद के 10 पीस बेचा जा रहा है, और इनको कीमत कहा जाएगा, कॉस्ट या प्राइस कहेंगे हम लोग सिंपली। ये खरीदा गया तो कॉस्ट प्राइस, ये बेचा गया तो सेलिंग प्राइस, यानी कीमत आएगी, प्राइस आएगा और क्वांटिटी आएगा, यही दो चीज़ है बेटा, क्वांटिटी एंड प्राइस। जब भी कभी हम खरीद बिक्री वाला केस देखेंगे दो चीज़ें आएंगी, क्वांटिटी एंड प्राइस। मेरा ट्रिक भी इसी पर बेस्ड है, वो क्या है सुनिए।
ट्रिक ये कहता है कि आप पहले लिखेंगे क्वांटिटी, तादाद, उसके बाद आप लिखेंगे प्राइस, कीमत। पहले लाइन में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस के बारे में, उसके बाद आपको लिखना है सेलिंग प्राइस। वही ऑर्डर, वही सीक्वेंस। पहले आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप खरीदने का डिटेल डाल दीजिए, फिर आप सेकंड लाइन में बेचने का डिटेल डाल दीजिए, क्योंकि खरीद कर ही बेचा जाता है। तो ये काम आपको करना है, क्वांटिटी और प्राइस। जो भी क्वांटिटी है उसको यहां रखें, प्राइस जो भी है उसको यहां रखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीदने वाला काम पहले करेंगे। तो खरीदा गया है, परचेस किया गया है 11, दिस इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी के सामने हमने लिख दिया 11, 11 आम खरीदा गया। कोई भी आइटम हो सकता है, यहां पे आइटम जो है वो मैंगो है, तो 11 आम खरीदे गए, तो क्वांटिटी के आगे 11 लिख दिया। कितने में खरीदे गए, 100 रुपए में। प्राइस के सामने 100 लिख दिया। ये आपका ब्यौरा हो गया, डिटेल हो गया खरीदने के सिलसिले में, दोनों बातें, क्वांटिटी भी प्राइस भी। अब आप बेचने पे आइए, बेचा क्या गया है, सेल क्या किया गया है, 10 मैंगो, 10 इज द क्वांटिटी, 10 आइटम बेचे गए। कितने में बेचे गए हैं, 110 रुपीज में। यही काम करना है आपको, बस इतना आप काम कर लीजिए, कहानी खत्म। अब इसके बाद कुछ नहीं है, ट्रिक बड़ा आसान है। पहले आपको तादाद लिखनी है, फिर प्राइस लिखना है, पहले वाले लाइन में खरीदना, दूसरे वाले लाइन में बेचना। अब क्या करना है वो सुनिए, अब आपको इनको रेशियो लिख लेना है, या यूं समझो, अभी रेशियो को रहने देते हैं, पहले यूं समझो कि इसको इस तरह से लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इस तरह से। तो इनको इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 121, और साथ में ये जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 100 दैट इज 1000, और ये जो आपने मल्टीप्लाई किया नीचे से ऊपर वाले को माइनस के साथ लिख देना। इतनी बात समझ में आई। ये लिखने के बाद आपको 11 से इसको, मतलब इसकी क्वांटिटी इसका प्राइस, इसकी क्वांटिटी इसका प्राइस एक्सचेंज करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सबस्ट्रेट कर देना बेटा, जो ध्यान रहे जो आपने सबस्ट्रेट किया है उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ 1000 सब्ट्रैक्ट था, 1000 से डिवाइड होगा, और लास्ट में आपको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये चेंजेस, खासतौर से ये चेंजेस, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हुआ है। तो आप देखिए यहाँ 1210 माइनस 1000 यानी पॉजिटिव में आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा। अगर यही माइनस में आता तो परसेंटेज लॉस होता। हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन देखेंगे, बस पहला क्वेश्चन है, आप ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ज़रा सोचिए, 1210 में से 1000 चला जाएगा, क्या ये 210 बचेगा? नीचे तो 1000 था ही, ऊपर 100% था, 10 20 30 ऊपर है, 30 नीचे, फाइनल आंसर इज 21%। इस क्वेश्चन का जब हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखा था, ट्रेडिशनल मेथड, तो उसका आंसर भी 21% आया था, इस ट्रिक से भी 21% आया। ट्रिक को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, करना क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी, प्राइस के सामने प्राइस। पहले वाले लाइन में कॉस्ट प्राइस की डिटेल, दूसरे वाले लाइन में सेलिंग प्राइस की डिटेल। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट यहां से करना है, ऊपर से नीचे उसको पहले लिख देना है, फिर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करके बाद में लिखना है। जो माइनस करके लिखना होता है उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है 21%। अब सवाल यह है, यही हमारे पास डाटा था जिसको हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो मैं रेशियो की बात कर रहा था, अब उस पर आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन और आसान हो जाए और टाइम बच जाए मेरा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम बचा देगा, लेकिन फिर भी और टाइम अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप सुनिए, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन नंबरों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, काट के, मतलब डिवाइड करके। तो ज़रा सोचो, प्राइस प्राइस ऊपर नीचे है, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 100 में 10 है, 110 में 10 है, आप चाहो तो काट दो, यानी ऊपर नीचे काट सकते हैं। यू आर फ्री टू डिवाइड अपर एंड लोअर लिमिट, यानी इसको आप अपर, इसको लोअर मानिए, इनको आप काट सकते हैं, बीच में सोचिए ये डिवाइड है, ये कट जाएगा।
इसको भी आप डिवाइड करके काट सकते थे, लेकिन यहां कट नहीं रहा है, 11 और 10 कटता नहीं है। हाँ, अगर कट रहा होता तो काट देते। तो काटने का एक तरीका हो गया, ऊपर नीचे काटा जा सकता है, उसी तरीके से दाएं बाएं भी काटा जा सकता है। इस नंबर को मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा, दिस इज 11, दिस इज 100, ये था 10 और ये था 110। या तो आप ऐसे काट दीजिए ऊपर नीचे, या फिर राइट लेफ्ट। आप क्रॉस नहीं काटेंगे, क्रॉस तो मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्रॉस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसलिए क्रॉस नहीं काटा जाएगा। उसके अलावा आप काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, या सीधा सीधी। अब देखो सीधा सीधी इस जीरो से इस जीरो को काट दें, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपके पास आंसर लाकर दिखलाता हूं। आपको काटने में दिक्कत हो रही है, आप मत काटिए, आप क्रॉस करके जैसा मैंने पहले बनाया था आप बना लीजिए, आंसर 21% आएगा। अगर मैं काट देता हूं तो काटने के बाद क्या होता है वो ध्यान दो। अब ये 11 है, ये 11 है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121, 10, अब ये 10 हो गया बेटा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, नीचे 100 ही रखना है, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, 100 कट गया, 121 में से 100 चला गया, पॉजिटिव में आएगा इसलिए प्रॉफिट 21%। यहां पर काटा है, सुनो यहां कैसे काटा है। अब ये 11 है, ये 11 है, दिस इज 121, मल्टीप्लाई हो गया 11 को 11 से, 1 को 100 से, 100 माइनस किया गया तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 100% से मल्टीप्लाई करना था, 100 से 100 खत्म, 121 में से 100 चला गया, 21% पॉजिटिव में आ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट। दिस इज द ट्रिक। चलिए अब मैं इसी को डाटा चेंज करके बनाता हूँ, डाटा चेंज करके, ताकि आप क्वेश्चन को सोचें। मान लीजिए फिफ्टीन मैंगोज 100 रुपीज में और 10 मैंगो बेच दिए गए 50 में। ट्राई करें जल्दी से, खुद से आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, ट्रिक वाला मेथड लगाएं, तसस्सी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए आप अपना ट्रेडिशन मेथड भी लगाएं, या जो मैंने शुरू में पढ़ाया था यूनिटरी मेथड, उसको आप कह सकते हैं कि एक आम कितने में खरीदा गया कॉस्ट प्राइस, एक आम कितने में बेचा गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस निकालिए, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालिए। उसका तरीका क्या है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस रखेंगे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। चलिए मैं ट्रिक से ट्राई करता हूँ, आप पॉज करके ज़रूर ट्राई करेंगे, बाद में मिला लेंगे। तो डिटेल ये है, आइटम या क्वांटिटी 15 है, इसकी कीमत 100 है, मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ। अब ये शुरू वाला लाइन लिखा है परचेज वाला, 15 आइटम 100 रुपये में, 10 आइटम बेच दिए गए 50 रुपये में। अब यहाँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा उठा के काम कर लीजिए, या रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। रिड्यूस कैसे करेंगे, 50 और 100 ऊपर नीचे काट दीजिए, 51 या 50, 52 या 100, चलो इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, रिड्यूस हो गया बेटा। अब क्या बोला था मैंने, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है, 3 × 1 डैट इज 3, 2 × 2 डैट इज 4, जो माइनस किया उसी से डिवाइड इंटू 100%। ध्यान से सुनो, क्या ये डिफरेंस निगेटिव आ रहा है, मतलब परसेंटेज लॉस। अब जब आपने लॉस लिख दिया तो माइनस मत लिखिए, आपका आंसर मैं बोल रहा हूं, ये 4 से 100 काट के 25% आएगा और ये -1 आएगा। आप सोचोगे -1 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे -25, बट ये निगेटिव लिख दिया गया है लॉस, तो आंसर आएगा 25%। मैं लिखूंगा 25% लॉस, ये लॉस बता रहा है बेटा, साइन माइनस है, माइनस लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं लिखते, माइनस मीन्स लॉस, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए, यानी 25% का लॉस है। हाँ, अगर लॉस ना हो ऑप्शन में तब आप -25 लिखेंगे। तो ये 25% का लॉस था इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप और ट्राई करें, खुद से ट्राई करें। मान लीजिए
8 पेन 16 रुपए में खरीदा गया और 10 पेन 24 रुपए में बेच दिया गया। आपको बताना है टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब तो आप आराम से कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अब आपके लिए कुछ नहीं है। शुरू में क्वांटिटी कीमत, क्वांटिटी कीमत, पहले ख़रीदने का फिर बेचने का, अब आपकी मर्ज़ी। देखिए अभी इससे पहले मैंने जब रिड्यूस किया था तो ऊपर नीचे काट रहा था, यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, वी आर फ्री टू डिवाइड। आप ऐसा करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जानबूझ के इस बार राइट लेफ्ट काट रहा हूँ, 8 1 8 8 2 16, इसको काट रहा हूँ दो से, 2 5 10 12 2 24। हालांकि ये फिर से कट रहा है, 2 1 2 2 6, काटते रहो जितना कट जाए ताकि काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप कहीं पर नहीं काटते हो या काटना भूल जाते हो तो घबराने की बात नहीं है, फिर भी सही है, क्योंकि मैंने कहा ना बिना काटे भी सॉल्व करेंगे। बस पैटर्न याद रखिएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है, तो 1 × 6 6, फिर नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके बाद लिखना है -5, जो माइनस होगा उसी से डिवाइड, लास्ट में 100%। ये डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट का है, 1/5 × 100%। द करेक्ट आंसर इज 20% का प्रॉफिट। बोलिए, एकदम आसान हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा अच्छे टाइप का क्वेश्चन, जैसे डिसऑनेस्ट मैन क्लेम्स टू सेल आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो भी मेथड आता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान आदमी है जो ये क्लेम करता है कि मैं जितने में चीज़ ख़रीदता हूँ उतने ही में बेचता हूँ, अभी मैं इसको समझाऊँगा। लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही चीज़ देता है, तो आपको बताना है उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ। मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने मुझसे कहा कि 1 किलो चीनी 40 रुपये का मैं ख़रीद के लाया हूँ। दुकानदार मुझसे कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी मैं 40 रुपये का ख़रीद के लाया हूँ, आपसे फ़ायदा नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपको 40 में दे रहा हूँ, लेकिन वो तौलने में बेईमानी कर रहा है, वो कीमत बढ़ा तो नहीं रहा है, वो वाकई 1 किलोग्राम चीनी ख़रीद के लाया है 40 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 40 रुपया है, वो मुझे सेल भी 40 रुपये में ही कर रहा है, यानी फ़ायदा नहीं कमा रहा है, लेकिन तौलने में चूंकि उसने बेईमानी किया है, 1 किलो की जगह उसने मुझे 800 ग्राम दिया है, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, उसने 200 ग्राम बेईमानी कर लिया, यही उसका प्रॉफिट है, वो 200 ग्राम कम तौल के मुझे दे रहा है, तो आपको बताना है कि उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। अब ऐसा सवाल है, अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैंने कहा था जो मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ बेटा वो हर जगह वैलिड होगा, तो ट्रिक क्या है पहले समझिए। ट्रिक ये है कि मैंने मुझे पहले क्वांटिटी लिखना है, और देखो यहाँ क्वांटिटी क्या 1 किलोग्राम है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी और यहाँ लिख देता हूँ प्राइस। ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम। अब कीमत कितनी है नहीं मालूम मुझे, यहाँ दिया हुआ नहीं है कीमत, बस दिया हुआ यहाँ क्या है वज़न, वज़न दिया हुआ 800 ग्राम दिया है उसने, ख़रीदा था उसने 1 किलोग्राम ख़रीदा था, तो पहले हमने लिखा कॉस्ट प्राइस की डिटेल। सेल कितना किया है, 800 ग्राम सेल किया है, कितने में किया है पता नहीं, बस इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों का रेट सेम है। अब मैंने कहा ना 40 मैंने माना था, तो अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो सेलिंग प्राइस भी 40 है, क्योंकि वो क्लेम यही कर रहा है
कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, सेल आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, यही क्वेश्चन था। दूसरी बात, जब कभी भी बराबर हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जब कभी भी बराबर हो, दोनों को वन वन मान लो, क्योंकि वन वन नहीं मानोगे तो मेरे ट्रिक से ऊपर नीचे है कट के वन वन ही आएगा। सौ सौ भी मान सकते थे, अक्सर लोग बोलते हैं परसेंटेज वाला सवाल है ना, परसेंटेज का सवाल है, हंड्रेड मान लो, नहीं दिया हुआ है तो हंड्रेड मान लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ थाउजेंड ग्राम का या एक किलोग्राम का जो रेट है वो हंड्रेड रुपीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ आप हंड्रेड मान लेते तब भी ये होता, सौ सौ कट जाता, वन वन आता, एक्स एक्स मान लेते कट जाता, वन वन आता, तो आप कार्ड के लिख दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी सी पी और एस पी बराबर होगा मेरे क्वेश्चन में, मैं उसको वन वन मान लूँगा। वन वन नहीं भी मानोगे तो काट के वन वन ही आएगा। अब ध्यान दो, जब मैं इधर काट सकता हूँ ऊपर नीचे, तो क्या मैं इधर भी काट सकता हूँ ऊपर नीचे? दो जीरो से दो जीरो कट गया, चलो अब दो से काटो, दो पंचे दस, दो चौके आठ, अब नहीं कट रहा बेटा, अब क्रॉस, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करने को पहले बोला था, फाइव इंटू वन फाइव, फोर इंटू वन फोर, ये प्लस में आ रहा है क्या? परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? चार से काट दिया हंड्रेड को, वन इंटू ट्वेंटी फाइव, 25% का फायदा हो गया दुकानदार को। तो देखिए कितना मुश्किल सवाल था, कितने आसानी से आपने बना दिया। क्वेश्चन को बस समझना है, एक किलोग्राम सामान खरीदा गया एक रुपए का, 800 ग्राम बेचा गया एक रुपए में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम था, बस बेमानी जो उसने की है वो वजन की है, हेर फेर जो हुआ है वो वजन में हुआ है। तो आप देखें कितने आराम से स्ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस डाटा ही तो लिखना है मुझे, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वेश्चन को समझा लिखा, बाकी क्वेश्चन का आंसर आ गया 25%। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि अ डिसऑनेस्ट मैन क्लेम टू सेल आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही यूज फोर्टी परसेंट लेस वेट देन ओरिजिनल वेट, फाइंड हिज परसेंट प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? सवाल समझ में आ गया? सवाल वही है। अब हमने ये नहीं कहा है कि एक किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, अब मैंने ये कहा कि जो भी ओरिजिनल वेट रहा होगा उसमें 40% वो कम तौल के दे रहा है, यानी वो टोटल 60% दे रहा है, 100% देना चाहिए था उसको, लेकिन वो दे रहा है 60% ही। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बनाएंगे वो सुनो, वही ट्रिक है। पहले क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं और यहाँ प्राइस लिखते हैं। पहले लाइन पे सीपी की डिटेल, सीपी क्या है? ओरिजिनल वेट, मान लो ना 100 ग्राम, आप एक किलोग्राम भी मान सकते थे, आप 100 किलोग्राम भी मान सकते थे, मुझे यूनिट से कोई लेना देना तो है ही नहीं, मैं तो सिर्फ ले रहा हूँ क्वांटिटी 100 था, और कितने में मिल रहा है? एक रुपए में। ये कॉस्ट प्राइस है बेटा, कॉस्ट प्राइस की डिटेल है, लेकिन तौलने में क्या किया है? बेचा तो उसने एक रुपए में ही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों क्वेश्चन में सेम है, लेकिन बेमानी किसका है? वेट का है। कितने परसेंट का बेमानी है? 40% कम तौल के दे रहा है, तो 100 इसीलिए मैंने माना था, क्योंकि 40% का मतलब हो गया 100 में 40, 90% होता तो 100 में 90, 10% होता 100 में 10, तो इसका मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 60 ग्राम दे रहा है, 40 कम दे रहा है, तो 100 में 40 घटा के लिख दो, दिया उसने 60 ग्राम है, यानी 100 ग्राम खरीद के लाया, 60 ग्राम दे दिया उतनी ही कीमत में, तो काटो ये जीरो से ये जीरो, दो तिया छः, दो पंचे दस, पाँच माइनस तीन दो, चलो मैं धीरे लिख देता हूँ, 5 × 1 5, 3 × 1 3, ऊपर 3 तो नीचे भी 3 × 100% प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 2/3, 200/3% का प्रॉफिट है। धीरे धीरे इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आप तुरंत करने लोगे, 5 − 3, 2/3 × 100, मतलब 200/3, हवा में बनने लगता है बेटा। लेकिन चलो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, अब दे रहा है 20% मोर, अ डिसऑनेस्ट मैन क्लेम्स टू सेल आर्टिकल्स ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही यूज 20% मोर वेट देन ओरिजिनल वेट,
ये आप ट्राई करें खुद से। कितना आया? चलिए, आपने किया क्या किया, फिर से वैसे ही 100 ग्राम की चीज़ हमने 1 रुपए में ख़रीदी, 20% मोड़ का मतलब हो गया 100 में 20 ग्राम ज़्यादा, यानी 120 ग्राम कम होता तो 20 माइनस करते, 20% मोड़ का मतलब हो गया 20 ऐड कर दिया, तो 100 में 20 ऐड करेंगे 120, 1 रुपए में ही, चूँकि CP और SP तो बराबर है बेटा। तो आप कोई एक चीज़ बराबर भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैंने मैंगो और पेन वन का दिया था तो उसमें सब चीज़ बदल रहा था, मैं कॉस्ट प्राइस भी चेंज हो रहा था, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा था, चारों डाटा चेंज हो सकता है, क्वांटिटी प्राइस सब अलग अलग हो सकते हैं, कोई सेम भी हो सकता है। यहाँ पे सेम दिया है, सेम रखेंगे, जीरो से जीरो काटो, 2 5 जा 2 6 जा, 5 × 1 5 6 × 1 6 × 100%। ध्यान से देखिए, चूंकि माइनस है तो ये लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा? -1/6 × 100%। 2 से काट दो, दिस इज 50, दिस इज 3। अब लॉस लिख चुके हो ना, लॉस लिख चुके हो तो अब आपको माइनस की जरूरत नहीं है, 50/3% का लॉस है। तो आप देखिए, आप आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ट्रिक से ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। चलिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिए खुद से। मैं अभी जो कुछ भी पढ़ा कर आया हूँ उनको मैं मिक्स करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मिक्स करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ए शॉपकीपर सेल्स राइस ऑन प्रॉफिट ऑफ 10%, बट ही यूजेस 20% लेस वेट देन ओरिजिनल वेट। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट, दोनों चीजें मिक्स कर दी मैंने। सवाल क्या है वो सुनेंगे। सवाल ये है कि 10% का प्रॉफिट लिया जा रहा है राइस पर, और फिर तौलने में भी 20% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, वजन के हिसाब से 20% का प्रॉफिट वजन से लिया जा रहा है, और कीमत पर लिया जा रहा है 10% का प्रॉफिट। चलिए, मैं क्वेश्चन को समझाता भी चलता हूँ, बनाता भी चलता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि कीमत पता नहीं है शुरू में, तो आप मान लीजिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, तो क्वांटिटी कितनी है भाई? ओरिजिनल वेट नहीं पता, 100 मान लेंगे, यानी 100 ग्राम की कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी गई, ठीक है, 100 ग्राम कोई चीज़ ख़रीदी गई 100 रुपये में, ये कॉस्ट प्राइस है। अब सेल कितना किया जा रहा है, ज़रा वज़न के हिसाब से देखिए, 20% कम, यानी 80 ग्राम सेल किया जा रहा होगा, लेकिन कितने में किया जा रहा है? 10% का प्रॉफिट लेकर, यानी 110 रुपये में। बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही आसानी से बन गया। ऊपर आपको कॉस्ट प्राइस का डिटेल करना है, 100 ग्राम वजन माना, 100 रुपए कीमत माना, 100 ग्राम एक्चुअल वेट था, ओरिजिनल वेट था, 20% कम तौल के दिया गया तो बेचा गया 80 ग्राम, उस पर भी 10% का प्रॉफिट लिया गया है। अब चारों डाटा चेंज हो गया तो हम क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत आसानी से। कैसे बनेगा? इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दो, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 11 से 55, 4 × 10 से 40, डिवाइड बाय क्या आएगा? 40 × 100%, 50/40 × 100%। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 × 4 = 2, 5 = 15, 75/2%। पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो 37%। दिस इज द नेट प्रॉफिट शॉपकीपर गेन।
इतना प्रॉफिट का उसको लाभ हुआ है या गेन हुआ है, 37.5% नेट प्रॉफिट है। तो आप देखें मिक्सअप करके भी मैंने क्वेश्चन दे दिए। अच्छा, इसके अलावा और कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके पास इल्म अचीवर का पैकेज होगा, आप उस पैकेज से क्वेश्चंस को बनाइए। इस ट्रिक पे मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बॉल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। हालांकि ऐसे सवाल का मैंने आपको एक ट्रिक और पढ़ा रखा है, लेकिन चलिए आज मैं उस ट्रिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो स्पेशल सिर्फ इसी फॉर्मूले के लिए था। आज तो मैं बात कर रहा हूँ जनरलाइज ट्रिक की, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा जनरलाइज ट्रिक पढ़ाया है जो हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के लिए परसेंटेज में लागू हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। क्या कॉस्ट या खरीदने की क्वांटिटी पता चल गई? 12 बॉल खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया नहीं पता, लेट अस अज्यूम एक रुपए में 12 बॉल खरीदा गया और बेचा जा रहा है 10 बॉल 1 रुपए में, क्योंकि बराबर था ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मैंने 1-1 मान लिया। अब क्वेश्चन कितने आराम से बन गया, जरा देखिए। क्या मैंने कहा था इनको काट सकता हूं क्या, 2 5 या 2 6 या 6 into 1 6 5 into 1 5 divide by 5 into 100% 500 को काट दो 20 और ये 1 आ रहा है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। डाटा चेंज कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार 10 बॉल का कॉस्ट प्राइस 15 बॉल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब बताओ क्या करोगे, कॉस्ट 1 रुपए में 10 बॉल और सेल किया गया है 1 रुपए में 15 बॉल, 5 2 जा 10 5 3 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 को 1 से करोगे, 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 100%। क्या आंसर आ गया बेटा, माइनस में आ रहा है, सीधे लिखो परसेंटेज लॉस। अब माइनस मत लिखना, इसका 1 लिखो, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 100 से 100 बाई 3, 33.33% का लॉस है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्या देख रहे हैं कि हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आसानी से कर पा रहा हूं। चलिए मैं आज एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन भी देख लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ही अर्न प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, ये भी अच्छा सवाल है। यानी क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा हमने बेचा, तो मुझे जो फायदा हुआ है वो 11 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर हुआ है। मुझे जो फायदा हुआ है वो 11 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर हुआ है। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैं अगर ये मान लूँ कि सेलिंग प्राइस एक रुपीज़ पर मीटर है, मतलब 1 मीटर 1 रुपए में बेचा जा रहा है, 1 रुपए में 1 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, तो सर सोचो 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचा गया होगा, 33 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस 33 रुपया आ गया क्या। अच्छा 11 मीटर कपड़ा बिका होगा 11 रुपए में, वही प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को बस आराम से समझ लो, 11 मीटर कपड़ा कितने में बिका होगा, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बिक रहा है, तो 11 मीटर कपड़ा 11 रुपए में बिका होगा, 11 रुपया ही तो प्रॉफिट है और 33 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 22 रुपये। इसमें कॉस्ट प्राइस का जिक्र नहीं था, तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के मदद से कॉस्ट प्राइस निकालना था बस।
कॉस्ट प्राइस क्यों निकालना था? कॉस्ट प्राइस से निकालना था क्योंकि 33 मीटर कपड़ा खरीदा गया है 22 रुपए में। चलो आरएस करके लिख देता हूँ, यही तो है हमारा कॉस्ट प्राइस। पहले लाइन में हम कॉस्ट प्राइस करते हैं, 33 मीटर कपड़ा खरीदा गया 22 रुपए में और 33 मीटर कपड़ा बेच दिया गया 33 रुपए में, 11 रुपए का फायदा लिया गया है। सीधी सी बात है, 11 रुपए का फायदा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको सेकंड लाइन में सेलिंग प्राइस का डिटेल और फर्स्ट लाइन में कॉस्ट प्राइस का डिटेल लिखना है। परसेंटेज प्रॉफिट तो अपने आप आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि दोनों सेम है तो 1-1 कट गया ऊपर नीचे, इसको 11 से काट दो बेटा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 × 3 डेट इज 3, 1 × 2 डेट इज 2, ऊपर नीचे 2 ऊपर माइनस में था, नीचे 2 से डिवाइड, ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज प्रॉफिट। कितना आ गया बेटा? तो ये तो 50% हो गया, 50% का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 × 100%, दिस इज कॉल्ड 50% प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से आज मैंने आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस कराए और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं। आप खुद से इल्म अचीवर का जो पैकेज है आपके पास, उसके क्वेश्चंस लगाइए। इस वीडियो को आप जगह जगह पे पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये ट्रिक शायद आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो इसीलिए हम वीडियो सेक्शन ले रहे हैं थोड़े थोड़े देर का, जिसमें आपको कुछ यूनिट ट्रिक्स पढ़ाएं, जिससे फ़ायदा ये हो कि आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है मेरे पास परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन बनाने का। क्वांटिटी लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते हैं, जो नंबर घटाया जाता है उसी से डिवाइड करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। मगर क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा। तो आज मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, आप उसको घर पे ट्राई करें, बनाएं, और साथ में पैकेज के जितने क्वेश्चन इस टाइप के हैं वो लगाएं। इसके अलावा जहाँ जहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन मिलता है उसको ज़रूर ट्राई करें आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।